नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना। मैं मुजाहिद भारतीय आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। नवरात्रि के दौरान चमक उठाए माता रानी का दरबार, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, साथ ही जगह जगह कर रहे हैं प्रसादी ग्रहण। हम बात कर रहे हैं शहर के समीप बजरंगगढ़ स्थित बीसभुजी माता के मंदिर की। प्राचीन काल से ही ये बीसभुजी माता का मंदिर यहां पर स्थापित है, जिसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह की श्रद्धा एवं विश्वास भरा हुआ है। यूं तो साल के 12 महीने लोग यहां पर माता रानी के दर्शन लाभ पाते हैं, लेकिन यहां श्रद्धालुओं की संख्या नवरात्रे में एक हुजूम के रूप ले लेती है। ऐसे में बढ़ती भीड़ के कारण यहाँ पर लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे उन्हें निजात दिलाने का बीड़ा युवक कांग्रेस गुना ने उठाया है। आपको बता दें कि युवक कांग्रेस गुना की पूरी टीम नवरात्रि के पहले दिन से ही आगामी आखिरी दिन तक यहां पर पूरे समय अपनी सेवाएं दे रही है, जिसमें लोगों के आवागमन को सुगम करना, जूते चप्पलों को व्यवस्थित तौर पर रखवाना, पार्किंग की व्यवस्थित करवाना एवं प्रसादी वितरण करना आदि कार्यों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आपको व्यस्त नजर आएंगे। युवा कांग्रेस विधानसभा गुना के अध्यक्ष अमित सोनी ने डिजियाना से बातचीत करते हुए बताया कि वह हमेशा मां बीसभुजी के दरबार में नवरात्रि के दौरान लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही उनके साथ नीरज निगम मित्र मंडली भी उनका पूर्ण सहयोग यहां पर कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता नीरज निगम ने डिजियाना को बताया कि यह सेवा निस्वार्थ है एवं इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही यहां पर हमें जो देखने को मिला वह वाकई सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। यहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं, जो 24 घंटे माता रानी के श्रद्धालुओं की सेवा में व्यस्त हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में युवक कांग्रेस गुना का सिर्फ एक ही कार्य है कि किसी भी प्रकार की परेशानी मां बीसभुजा देवी के भक्तों को ना होने पाए, चाहे उसके लिए इन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। युवक कांग्रेस गुना के कार्यकर्ताओं ने इनके द्वारा की जा रही इस सेवा के बारे में पूर्ण जानकारी डिजियाना को उपलब्ध कराई। बीसभुजी के अवसर पर माता रानी के दरबार में लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए और महाराज साहब की सोच के अनुरूप कि लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, इसके आश्रय पर पूरी युवक कांग्रेस और नियत निगम फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा जूता चप्पल स्टैंड का शीतल पेय का और भंडारे कार्यक्रम रखाया है। हर साल पिछले साल की भांति इस साल भी हमारे साथ कई मुस्लिम साथी, जैसे फिरोज है, सद्दाम है और भी लोग वहाँ हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में आकर सफल बनाते हैं। डेली 10 से 15 हज़ार के अलावा पब्लिक आ रही है। इसका अनुमान समथिंग भंडारे के अनुरूप को लेकर हम कर रहे हैं। अभी 5वें, 6वें, 7वें पर पब्लिक और ज़्यादा आएगी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से गुना शहरवासियों को नवरात्रा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि माता बीसभुजा देवी का जो स्थान है बहुत ही पवित्र स्थल है, यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन को नवरात्रा में दर्शन करने को आते हैं और उन्हीं की सुविधा को देखते हुए, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर उनकी बैठने की उत्तम व्यवस्था, उनकी जल की व्यवस्था, उनकी पलारी प्रसाद की व्यवस्था और जूते चप्पल की जो अव्यवस्था उनको उतारने में होती थी वो व्यवस्था यहाँ पे हम लोगों ने युवा कांग्रेस के माध्यम से, युवा कांग्रेस की टीम के माध्यम से हमने इस व्यवस्था को यहाँ पे सुदृढ़ बनाने की कोशिश की है। और माता का आशीर्वाद हमारी सब टीम को मिले, आने वाले श्रद्धालुओं को मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माता। जिला न्यायालय के निर्देशन में आज ऑटो चालकों का जागरूकता अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला न्यायालय परिसर गुना में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी न होने के अभाव में लगातार ऑटो चालक चालानी कार्यवाही का शिकार हो रहे थे, जिसके चलते आज उन्हें नए नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही उनसे यह आग्रह भी किया गया कि वह भविष्य में नियमों का पालन अवश्य करें। यह मानकर चलती है कि इस देश में रहे सभी लोगों को कानूनों की पूरी जानकारी है, होती भी है। ऑटो यूनियनों की इस फिक्र की अभिव्यक्ति जब हमारे सीजन साहब के समक्ष हुई और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, यह एक न्यायालय का मोटर व्हीकल एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चेंज हुआ है बाल अधिकार कानून में। बाल अधिकार कानून ये कहता है कि एक ऑटो में
12 साल से नीचे के 5 बच्चे से ज़्यादा नहीं होंगे और 12 साल से ऊपर के 3 बच्चों से ज़्यादा नहीं होंगे। उनका बच्चा 12 साल से छोटा है तो 5 बच्चों से ज़्यादा उसमें न भरे, और यदि 12 से ऊपर है तो 3 बच्चों से। शराब मुक्त स्वर्णिम मध्य प्रदेश अभियान के तहत गायत्री परिवार व विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन पत्र। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा है। चरणबद्ध रूप से चलाए जा रहे इस अभियान में गायत्री परिवार गुना के युवा प्रकोष्ठ के सुनील सेन एवं सुरेंद्र प्रजापति ने बताया कि शराब मुक्त मध्य प्रदेश अभियान प्रदेश के 51 जिलों में एक साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें 3 सितंबर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जो कि 1 माह तक चलेगा। इसी क्रम में आज शराब मुक्त मध्य प्रदेश की रैली गायत्री शक्तिपीठ से होकर जगदीश कॉलोनी हनुमान चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। जहां कलेक्टर राजेश जैन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। जिले भर में हजारों पांडालों में सज रही है मां दुर्गा की प्रतिमाएं। नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में जगह जगह मां दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई हैं, जिसमें रोजाना मां दुर्गा की आरती एवं वंदना की जाती है। साथ ही इन मनमोहक पांडालों में मां दुर्गा के स्वरूप को देखने के लिए शाम होते ही शहर भर में श्रद्धालुओं की लाइनें लग जाती हैं। आइए नजर डालते हैं शहर के कुछ मनमोहक पांडालों पर। मोबाइल और इंटरनेट के आने से पहले एक जमाना ऐसा था जब पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन 15 पैसे के पोस्ट कार्ड का भी महत्व समझकर आंधी बारिश एवं कच्ची पक्की सड़कों की चिंता किए बिना डाक को संबंधित व्यक्ति तक जिम्मेदारी से पहुंचाया करते थे। मगर अब पोस्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी इस व्यवस्था में बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही पोस्ट ऑफिस की विश्वसनीयता को भी खत्म कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भुल्लनपुरा गुना के हेडमास्टर के साथ। यहाँ के हेडमास्टर गोपाल करोट का कहना है कि उन्होंने एक बैंक की चेकबुक बाय पोस्ट मंगवाई थी जो काफी समय बीत जाने के बाद भी उन तक नहीं पहुंची है। जब उन्होंने पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की तो उन्हें पता चला कि चेकबुक तो पोस्टमैन द्वारा लिखित पते पर पहुंचा दी गई है, पर इनका कहना है कि चेकबुक इन्हें नहीं मिली है। जब इस संबंध में पोस्टमैन से बात की गई तो पोस्टमैन ने बताया कि वह किसी जावेद नामक व्यक्ति को यह चेकबुक दे आया है, जबकि नियमानुसार चेकबुक पर जिस व्यक्ति का नाम हो वह सिर्फ उसी को दी जाएगी, अन्यथा किसी और को देना अनुचित होता है। पर समस्या परे है कि डाक विभाग के कर्मचारी ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आवेदक के पास अब तक उसकी चेकबुक नहीं पहुंच पाई है, ना ही किसी को यह पता है कि उसकी चेकबुक इस वक्त कहाँ है। मैंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सरकारी चेकबुक मांग करी थी अगस्त में, और अगस्त में उन्होंने भेज भी दिया उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, मगर मेरे को मिली नहीं है। जब मैं पोस्ट ऑफिस में मिला तो वहाँ के संबंधित मैडम ने बताया कि हमने 31/8 को त्रिलोक साहू नाम के पोस्टमैन से बटवा दी है। जब हमने त्रिलोक साहू से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने जावेद नाम के व्यक्ति को ये दे दी है। चूँकि जावेद हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, ना कोई स्टाफ का टीचर है,
पता नहीं ये कहाँ पे चली गई हमारी चेकबुक, आज तक नहीं मिली। जब इसके विषय में अधीक्षक डाक से संपर्क करने की कोशिश करी तो वहाँ पे हमने उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक पत्र भेजा है शनिवार को 23 में, और वहाँ से व्यवस्था की मांग करी है कि हमारे लिए डाक चेकबुक दिलवाई जाए और ऐसा किसी के साथ ना हो, भविष्य में इसकी व्यवस्था करी जाए। वार्ड क्रमांक एक में जर्जर रास्तों ने रहवासियों का आवागमन अवरुद्ध कर दिया है। बारिश के चलते एवं रोड न होने के कारण यहां पर इतना कीचड़ हो गया है कि ना तो लोग यहां पर पैदल निकल पा रहे हैं, ना ही ऑटो वगैरह यहां पर आसानी से निकल पा रहे हैं। हालांकि वार्ड के लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद का डेली यहां से गुजर होता है, पर समस्या परे है कि वार्ड पार्षद क्यों इनकी समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं। परेशानी आती कीचे मस्ती, बच्चे वगैरह आते हैं इधर, जाने दिक्कत होती, गाड़ी वगैरह फंस जाती है इधर ही, ये पानी वगैरह ही बहुत से लोग इधर की साइड ही रास्ता है, उधर की साइड नहीं, उनको दिक्कत आती है पानी वगैरह में, नहीं कुछ नहीं की। तो कोई मतलब आते हैं क्या? आते हैं ना, रोज आते हैं, आगे साइड पाइप डर लगा उधर आते हैं रोज। बारिश में ये कीचड़ी मचती है, इतने तक दिक्कत आती है इतने में, बहुत पहले से डली, कभी डली नहीं इधर तो, हो गए हमें तो 10-20 साल हो गए यहाँ पर, जब से नहीं है ही नहीं, और आगे भी वो तो ऐसी हो गई, वो तो नाली खुद रही तो कीचड़ कीचड़ हो गई आगे भी। यातायात पुलिस ने आज ओवरलोड वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आज यहां तिपहिया एवं चार पहिया वाहनों में ओवरलोड वाहनों को रोककर उन पर चालानी कार्यवाही की गई। अरे तो लटका तो था, यहां से देख रहे थे पीछे एक लटका हुआ था। प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला गुना की आज एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिन कर्मचारियों की गलत तरीके से वेतन काटी गई है, इस वेतन काटने में जो भी अधिकारी संबंधित हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। साथ ही समान कार्य समान वेतन के मुद्दे को लेकर भी यहां चर्चा की गई। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल जिला पंचायत सीईओ के घेराव की बात भी कही है। अगर अपन को छठवां वेतनमान सही तरीके से नहीं मिलता तो पहले तो छठवें के लिए आंदोलन, सातवां वेतनमान, छठवे में भी बहुत सारी विसंगति है जो नहीं मिल पा रहा, सातवें तरीके से नहीं है, वो हमने जो ट्राई कर लिया है वो काम विधिवत तरीके से नहीं है। हम जो चाहते हैं विधिवत तरीके से कोई भी काम करे, बिल्कुल करें, हमें कोई एलर्जी नहीं है कि वो सहायक शिक्षक है तो हमें उससे दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा पैसा नहीं ले रहे। पूरे गुना जिले के समस्त कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, इसमें मुख्य मुद्दा हमारे वर्ग 1, 2, 3 98, 99, 2001, 2003, 2004 वालों की वेतन बगैर सूचना के वेतन हरण, अधिकारी की मनमर्जी हठधर्मिता और बाबुओं की मनमर्जी से 4200 रुपये लगभग 4000 से ऊपर वेतन काटा गया है जो कि नियम विरुद्ध है। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है और पुरानी वेतन यथावत डलना चाहिए और जो कटा हुआ वेतन है वो भी वापस मिलना चाहिए। इसके लिए कल 5 बजे जिला पंचायत सीईओ का घेराव करेंगे और कलेक्टर महोदय को फिर पुनः अवगत कराएंगे, डीओ साहब को भी पुनः अवगत कराएंगे। इस बीच में आज महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और इन बाबुओं के खिलाफ जिन्होंने गलत वेतन काटी गई है प्रशासन से मांग करेंगे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मैं भगवत प्रसाद
शहर में समाज सेवा के क्षेत्र में एक नया संगठन टीम सिंधिया के नाम से उभरकर सामने आया है। यहाँ टीम सिंधिया के संयोजक दीपेश पाटनी ने डिजियाना को बताया कि उनका मकसद इस बैनर तले सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना है, ना कि राजनीति करना। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आजकल कुछ लोग समाज सेवा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं उन्होंने टीम सिंधिया के द्वारा आज पहला पुनीत कार्य भी किया कि आज टीम सिंधिया के कार्यकर्ता नानाखेड़ी स्थित दिव्यांग बच्चों के छात्रावास पहुंचे, जहां उन्हें खेल एवं पढ़ाई से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई। साथ ही टीम सिंधिया के कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों से किसी भी प्रकार की समस्या में उनसे संपर्क करने की अपील भी की है। रास्ता है क्या यहाँ पे? बाउंड्री हो जाए ना आ पा रहे, लाइन बच्चे जाते हैं स्कूल रोटरी क्लब में। आज हमने अभी दो दिन पहले टीम सिंधिया नाम से एक टीम हमने संगठित की है और हमारा मूल उद्देश्य इस टीम का मात्र समाज सेवा है। आज के समय जो राजनीति जो हो रही है वो सही नहीं है। आज के समय जो समाज सेवा होती है, एक राजनीति जो है वो समाज सेवा के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट आज के समय सब लोग राजनीति ही कर रहे हैं, समाज सेवा खत्म हो गई है। इसलिए हमने आदरणीय हमारे आइडल महाराज सिंधिया जी के नाम पे एक हमने टीम संगठित की है। हमारा मूल उद्देश्य मात्र समाज सेवा करना है। समाज के निम्न स्तर पर लेकर उच्च स्तर हम जो भी कर सकते हैं, पूरी विधानसभा के लेवल पे, गुना विधानसभा के लेवल पे अपनी टीम बना रहे, किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होए, किसी भी तरह स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे ब्लड के विषय में हो, चाहे कोई गरीबी से परेशान हो, जो भी हो, चाहे गौ चाहे कहीं भी हमें देखें हमारे गौ माता परेशान है, तबीयत खराब है, आप टीम सिंधिया से संपर्क करें। हम विश्वास दिलाते हैं पूरे नगर वासियों को, जो टीम सिंधिया का काम रहेगा डायरेक्टली हमारे महाराज हम सबके सांसद श्रीमंत सिंधिया जी के नेतृत्व में रहेगा। हम हर वर्ग के लिए तन मन से धन से हम सब सपोर्ट करेंगे, जितना फेंकेगा हम अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कहीं हमसे गलती हो तो हम क्षमा मांगते हैं उस चीज़ के लिए, बट हमारा मूल उद्देश्य केवल और केवल समाज सेवा है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे हमने है ना हमारे जो बैनर है वो हमने फ्लैक्स पोस्ट करे, सब पे नंबर है और अधिकतर जिस पे भी संपर्क करना हो, पाटनी मेडिकल है वहाँ पे मैं मिलूंगा और सबके नंबर आपको धीरे धीरे पैम्पलेट्स भी छाप रहे हैं, पेपर में भी आएगा। महाराज सिंधिया के बहुत ट्रस्ट चलते हैं, ये सब आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे, इतने ट्रस्ट चलते हैं कि उसकी गिनती नहीं है, समझिए। ये भी पुनीत हम लोगों के द्वारा उनके लिए हम एक कार्य कर रहे हैं। हमें जहाँ भी आपको लगे हमारी जरूरत आप हमें बिल्कुल आप हमें संपर्क करें। नाना खेड़ी में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष छात्रों के लिए स्कूल है। यहाँ पे 20 से 25 बच्चे हैं जो कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी कुछ डिसेबल बच्चे हैं। उन सब के लिए आज हम सब हमारी टीम सिंधिया ने मिलके आज प्रथम काम हम लोगों ने इन बच्चों को भोजन वितरित करके उन लोगों के खेलने के सामान लेके उनके लिए हम वस्त्र की व्यवस्था भी करेंगे। हम ये सब कार्य करा है आज हमने टीम सिंधिया के नेतृत्व में, आज हमने पहला अपना जो कार्य शुरू किया। स्थानीय डॉक्टर अंबेडकर भवन में आज मांझी के वट समाज की एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में समाज के कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनका भी यहां पर सम्मान किया गया। जो सरकार की योजना चल रही है उनका लाभ वापस ले, नगर पालिका परिषद में भी हमने गरीबों के कार्ड बनाए, विजय जी की वो चाहता है तो हम भी उनको चाहता बोलते हैं और वो हर वर्ग की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं। अगर छोटी सी छोटी भी करूंगा, एक बड़ा सम्मेलन समाज का करें, उसमें बहुत चेहरे ऐसे हैं जो नजर नहीं आ रहे। राजकुमार जी और भी समाज संगठित हो सकता है। कल्याण बोर्ड के चेयरमैन साहब और उपाध्यक्ष महोदय दोनों अतिथि यहाँ पर केवल समाज की बैठक इसलिए रखी गई है कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर विनय कैलाश विनय
मध्य प्रदेश द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनके साथ सीताराम जी बाथम उनको राजमंत्री का दर्जा दिया गया है, उनके अलावा श्री राजू बाथम उनको भी राजमंत्री का दर्जा दिया गया है। उनके सम्मान समारोह हम गुना जिले के माझी केवट समाज द्वारा रखा गया है, उसके संबंध में आज सभी माझी केवट समाज के कार्यकर्ता एवं समाज के जितने महिला बहनें जो भी कुछ है सब इकट्ठे हो रहे हैं, इस संबंध में आज हम मीटिंग रखी गई। अखिल भारतीय वर्ष यादव महासभा जिला गुना की एक मीटिंग आज स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित की गई। इस मीटिंग में यादव महासभा के पदाधिकारियों ने त्योहारों पर होने वाली आम सभा एवं जुलूसों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वहीं इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ग्वालियर से भी यादव महासभा के पदाधिकारी पधारे हुए हैं। यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ पर यहाँ पर जिला यादव समाज के सभी प्रतिनिधि मौजूद है। यहाँ पर जन्माष्टमी वगैरह का बहुत बड़ा चल समारोह यादव महासभा की ओर से निकाला जाता है, तो आज उसके संदर्भ में भी मीटिंग बुलाई है, तो उसमें आज हिसाब किताब भी पेश हो जाएगा। पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं और ग्वालियर से अतिथि ग्रुप में वो आ रहे हैं, मीटिंग को संबोधित करेंगे, अभी वो आने वाले हैं। इसके पश्चात मीटिंग की और भी आगामी कार्रवाइयाँ हैं वो उनको पूरा किया जाएगा। मधुसूदनगढ़ में कुशवाहा समाज ने लवकुश जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। यहां लवकुश जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल जुलूस का आयोजन भी किया गया, जो कि गुना रोड रेस्ट आउट से होते हुए सदर बाजार भोपाल रोड तक पहुंचा। यहां आसपास के सभी कुशवाहा समाज के लोगों ने लवकुश जयंती के जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर में शारदीय नवरात्रि के चौथे दिवस आज यज्ञ में आरोन एसडीएम अरविंद वाजपेयी ने शिरकत कर आहुतियां दी। साथ ही गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर सुबह साधना के साथ यज्ञ शुरू हुआ एवं सैकड़ों लोगों ने दर्शन व आरती के पश्चात प्रसादी ग्रहण की। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। बिजियाना में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।